पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी भिन्न थी। तब हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी, कोरोना टेस्टिंग के लिए पर्याप्त लैब नहीं, पीपीई का कोई प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, वो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पीपीई किट्स हैं, लैब्स का बड़ा नेटवर्क है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाफ अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैर्य से लड़ाई लड़ी है। इसका श्रेय आप सभी को, सभी देशवासियों को ही जाता है। अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तूफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुंचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्था करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवा भाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आए और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाएं। समाज के पुरुषार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे।